फरवरी 2013, क्योंकि इसका इंजन बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिकन कंपनी से बना हुआ है, और अमेरिकन कंपनी का जो इंजन होता है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है, और मैं शुरू से इंजन के ऊपर जोर देता हूँ, तो ईगो सबसे बेस्ट लगी इंजन के मामले में। और ये गाड़ी जो है मेरे बजट के हिसाब से बिल्कुल फिट थी, और उस टाइम में जिस टाइम में मैं ये लेना चाहता था, और जितनी भी गाड़ी देखी और बॉडी वाइज क्योंकि इसकी स्पेसेस काफ़ी अच्छा है, और गाड़ियों की बनस्पत मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने ये परचेज की। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका पिकअप भी अच्छा है, पावर स्टेयरिंग है, कहीं भी इसको टर्न कर सकते हैं, तो ईजीली टर्न हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा महंगी है इसकी, क्योंकि जब भी हम इसको सर्विस, ये 10,000 के ऊपर इसकी सर्विस होती है, जो कि और गाड़ियों की कॉस्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादा लगता है, 10,000 से 12,000 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और इसका इंजन इफेक्टिव है, इसकी साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, ऐसा लगता ही नहीं कि इस गाड़ी के अंदर हम बैठे हों, कोई इंजन चल रहा है, और इसका स्पेसिस व्हील्स का स्पेस काफ़ी अच्छा है, और गाड़ियों से पूरा स्पेस जो बैठने के लिए पैसेंजर्स के लिए जो अपने मार ले, वो गैप काफ़ी बढ़िया है इसके। सिटी में 13.5 और हाईवे पे 15-16 के करीब दे देंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड माइलेज और स्पीडिंग का। आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू परचेज दिस कार।